फट चित्रांकन की बात आता है रमकड़ा उद्योग। कौन सा उद्योग? रमकड़ा उद्योग। इस उद्योग का प्रधान केंद्र गलिया कारट डूंगरपुर है। सेंटर कहाँ है इस उद्योग का? गलिया कारट डूंगरपुर में। पार्वती जोशी पहली महिला फट चित्रकार है। श्री लाल जोशी व प्रदीप मुखर्जी जो हैं जयपुर मुख्य फट चित्रकार है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तूड़िया हस्तशिल्प की। तो तूड़िया हस्तशिल्प जो है इसके लिए राजाखेड़ा धौलपुर प्रसिद्ध है। कथन आ सकता है इस तरह से कि तूड़िया हस्तशिल्प के लिए कौन सा स्थान फेमस है? धौलपुर का राजाखेड़ा फेमस है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। ये जो है नकली आभूषण बनाने की कला है। कौन सी कला? अभी हमने डिस्कस की थी तुड़िया हस्तशिल्प जो है। तुड़िया हस्तशिल्प जो है नकली आभूषण बनाने की कला है तुड़िया हस्तशिल्प। आगे बात करेंगे तारकाशी कला की। देखिए चांदी के पतले तारों से आभूषण बनाने की कला जो होती है ताराकशी या तारकाशी जो है कला कहलाती है। इस कला का प्रमुख केंद्र नाथद्वारा राजसमंद है। तारकशी या चांदी के पतले तारों से आभूषण बनाने की कला ताराकशी कला कहलाती है और इसका प्रधान केंद्र राजसमंद का नाथद्वारा है। आगे बात करेंगे पिछवाई कला। इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चंस आते हैं। देखिए यह कला जो है राजसमंद नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है पिछवाई कला। और तारकशी कला भी कहां की फेमस है? नाथद्वारा राजसमंद की। नाथद्वारा कहां है? राजसमंद में। पिछवाई कला और तारकशी ये दोनों कलाएं जो है राजसमंद के नाथद्वारा की फेमस है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, बात कर रहे थे हम पिछवाई कला की, डिटेल में देखेंगे। ये कला जो है नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। इंपोर्टेंट बात, इस कला का विकास मथुरा के कलाकारों द्वारा किया जाता है या किया गया है। यह कला वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है और वल्लभ जो है ये उससे संबंधित है। कपड़े पर भगवान श्री कृष्ण के जीवन की चित्रण की कला जो है पिछवाई कला कहलाती है। कपड़े पर भगवान श्री कृष्ण के जीवन चित्रण की कला जो है पिछवाई कला कहलाती है। रॉबर्ट स्केल्टन ने इस कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाई। ये जो पिछवाई कला है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है इंटरनेशनल लेवल पर क्या है? फेमस है। और इसको इंटरनेशनल लेवल पर जो है किसने आइडेंटिफाई किया, पहचान दिलवाई, किसको, किसने फेमस किया इसको? रॉबर्ट स्केल्टन ने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। और होती क्या है पिछवाई कला? कपड़े पर भगवान श्री कृष्ण के जीवन चित्रण की जो कलाएं बनाई जाती है वो होती है पिछवाई कला। और ये जो कला है पिछवाई कला वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। इस कला का विकास मथुरा के कलाकारों द्वारा किया गया है। और ये कला जो है नाथद्वारा राजसमंद की फेमस है। और तारकशी कला भी जो है राजसमंद के नाथद्वारा की ही फेमस है। ये दोनों कलाएं जो है राजसमंद के नाथद्वारा की फेमस है। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा पिछवाई कला कहाँ की फेमस है? राजसमंद की नाथद्वारा की। पिछवाई कला कौन से संप्रदाय से संबंधित है? वल्लभ संप्रदाय से। पिछवाई कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान किसने दिलवाई? रॉबर्ट स्केल्टन ने। पिछवाई कला क्या है? कपड़े पर भगवान श्री कृष्ण के जीवन चित्रण की कला। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे कोपक्री। व्हाट इज कोपक्री? तह निशान या कोपक्री एक ही बात है। फौलाद द्वार लोहे पर सोने की सूक्ष्म कशीदाकारी जो है कोपगिरी कहलाती है। फौलाद द्वार लोहे पर सोने की सूक्ष्म कशीदाकारी क्या होती है? कोपगिरी या तह निशान। अलवर की तलवार साज लोग इस कला से जुड़े हुए हैं। तलवार बनाने वाले लोग इस कला से जुड़े हुए हैं। उदयपुर के
सिकलीकर लोग इस कला से जुड़े हुए हैं। अलवर के तो तलवारसाज लोग और उदयपुर की सिकलीकर लोग इस कला से जुड़े हुए हैं। सिंपल। और क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि कोप्तगिरी को और किस नाम से जाना जाता है? तहनिशान, या तहनिशान है कोप्तगिरी। कोप्तगिरी क्या है? फौलाद अथवा लोहे पर सोने की सूक्ष्म बहुत ही बारीक कशीदाकारी जो है कोप्तगिरी कहलाती है। कास्ट कला की बात करेंगे इसके बाद हम। कास्ट कला, इस कला का जो प्रधान केंद्र है बस्ती चित्तौड़गढ़ है। हमने जो लोक कलाएं डिस्कस की थी डिटेल में, तब भी इसको डिस्कस किया था कास्ट कलाओं को। तो कास्ट कला का प्रधान केंद्र चित्तौड़गढ़ का बस्ती है, इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिटेल में कास्ट कला। इस कला का जो प्रधान केंद्र है चित्तौड़गढ़ का बस्ती है, बस्ती चित्तौड़गढ़ इस कला का जो प्रधान केंद्र है। लकड़ी के बेवाण, कावड़, रंगाई छपाई के ठप्पे बस्ती चित्तौड़गढ़ में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के तो बेवाण, कावड़ और रंगाई छपाई के जो ठप्पे हैं कहाँ पे तैयार किए जाते हैं? चित्तौड़गढ़ के बस्ती में। लकड़ी से निर्मित खिलौनों के लिए उदयपुर फेमस है। लकड़ी से बने खिलौनों के लिए उदयपुर फेमस है। लकड़ी की मूर्तियों के लिए जेठाना डूंगरपुर फेमस है। दोनों ये अलग अलग बातें हैं, डिफरेंट बातें हैं कि लकड़ी से निर्मित खिलौनों के लिए तो उदयपुर फेमस है, लकड़ी की मूर्तियों के लिए जेठाना डूंगरपुर फेमस है। दोनों में कुछ ही डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है यहाँ पे मूर्तियां हैं जेठाना डूंगरपुर की फेमस, और यहाँ पे लकड़ी के खिलौने हैं उदयपुर के फेमस। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। हमने ये बातें डिस्कस की थी, रिवाइज कर लेते हैं एक बार। लकड़ी के बेवाण, कावड़ तथा रंगाई छपाई के ठप्पे जो है बस्सी के चित्तौड़गढ़ के बस्सी में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी से बने हुए जो खिलौने हैं इनके लिए उदयपुर फेमस है। लकड़ी की मूर्तियों के लिए जो है जेठाना डूंगरपुर फेमस है। लकड़ी के फर्नीचर के लिए शेखावटी व बीकानेर ये दोनों ही फेमस है। कठपुतली के निर्माण के लिए उदयपुर फेमस है। ये पहले डिस्कस कर चुके हैं लोक कलाओं में भी कि कठपुतली के निर्माण के लिए उदयपुर फेमस है। लकड़ी के फर्नीचर के लिए शेखावटी व बीकानेर, लकड़ी की मूर्तियों के लिए जेठाना डूंगरपुर, लकड़ी से निर्मित खिलौनों के लिए उदयपुर फेमस है। नेक्स्ट साड़ियाँ। देखिए कोटा डोरिया व मसूरिया, कोटा के शासक राव शत्रुशाल के समय निर्माण शुरू हुआ। प्रथम कारीगर अलीजान था साड़ियों का। प्रथम रेजा केथून कोटा में लगा। फूल पत्ती की छपाई वाली साड़ियाँ जोबनेर जयपुर की फेमस है। कहाँ की फेमस है? जोबनेर जयपुर। कोटा डोरिया मसूरिया, कोटा के शासक राव शत्रुशाल के समय निर्माण शुरू हुआ। प्रथम कार्यकर्ता अलीजान, प्रथम रेजा केतुन कोटा में लगा। फूल पत्ती की छपाई वाली साड़ियाँ जो है जयपुर के जोबनेर की फेमस है। जोबनेर जहाँ पे श्री कृषि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, श्री नरेंद्र करण वाली।